नेक्स्ट हम करेंगे कॉन्कैटेनेट या एंड एंड ऑपरेटर यूज़. बेसिकली कॉन्कैटेनेट फंक्शन क्या होता है, इट कम्बाइंस द स्ट्रिंग्स इन डिफरेंट सेल्स. नाउ सपोज ये मेरा स्ट्रिंग्स क्या हो गया, स्ट्रिंग्स फॉर्म्स, स्ट्रिंग्स हो सकते हैं आपके कैरेक्टर स्ट्रिंग्स, टेक्स्ट स्ट्रिंग्स, नंबर स्ट्रिंग्स, कुछ भी आप जो मेंशन करते हो अपने सेल में, इट कैन बी एनी सिंबल. तो उन सबको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं इन एक्सेल. नाउ सपोज मुझे ये दोनों मेरा वर्ड्स लिखा हुआ है, इनको मुझे कंबाइन करना है इस सेल में, तो आई कैन यूज़ कॉन्कैटेनेट फंक्शन. आई कैन यूज़ कॉन्कैटेनेट फंक्शन विच जॉइंस सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग्स. दिस इज़ माई फर्स्ट स्ट्रिंग, दिस इज़ माई सेकेंड स्ट्रिंग, क्लोज किया ब्रैकेट, एंटर किया, तो अपने आप देखो एज 12 अपने आप ये स्ट्रिंग कंबाइन हो गया. अगेन अगर आप देखो ये लेफ्ट अलाइंड है. क्यों लेफ्ट अलाइंड है, बाय डिफ़ॉल्ट सारे टेक्स्ट हमारे एक्सेल में लेफ्ट अलाइंड होते हैं, सो दिस इनको मैंने मिडल अलाइन किया है ऑलरेडी, सेंटर अलाइनमेंट किया है इसको. बाय डिफ़ॉल्ट योर टेक्स्ट इज़ लेफ्ट अलाइंड एंड योर नंबर इज़ राइट अलाइंड, सो दिस नंबर गेट्स चेंज्ड इनटू अ टेक्स्ट व्हेन यू कंबाइन इट विद अ टेक्स्ट यूजिंग अ कॉन्कैटेनेट फंक्शन. आप यहाँ पे अराउंड 255 और टेक्स्ट स्ट्रिंग्स या फिर और सेल्स एड ऑन कर सकते हैं एंड उसको आप यहाँ पे एक साथ में कंबाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ योर एंड ऑपरेटर. एंड ऑपरेटर हमने किया था व्हेन वी वर डूइंग द डायनामिक नेम्स. तो हमें सपोज इसको एंड इसको कंबाइन करना है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग कॉन्कैटेनेट फंक्शन वी कैन यूज़ एंड ऑपरेटर. सिंपली आई विल क्लिक एंड, ये वाला सेल मैंने क्लिक किया एंड ये देखो अपने आप क्या हो गया, एज 12 अपने आप कंबाइन हो गया यूजिंग द एंड ऑपरेटर. दिस कैन बी डन. अगेन व्हाट एल्स कैन बी डन इज यू कैन यूज़, सपोज मुझे एज 12 के बीच में एक गैप चाहिए या फिर एक कॉमा चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है. पहले एज सेलेक्ट किया, अब मुझे एक कॉमा चाहिए, तो अगेन कॉमा ऐड करने के लिए भी मुझे एक एंड ऑपरेटर यूज़ करना है. सिंपली आप कॉमा लिख दोगे तो कॉमा ऐड होगा नहीं, आपको कॉमा को एक कोटेशन में स्पेसिफाई करना पड़ेगा. कुछ भी आप कोटेशन में स्पेसिफाई करोगे वो अपने आप इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, पर आपको कोटेशन यूज़ करना है. अगेन क्यों, क्योंकि एंड ऑपरेटर और कॉन्कैटेनेट फंक्शन दोनों टेक्स्ट स्ट्रिंग्स के लिए होते हैं यूज़. तो इसमें क्या होता है, आप कुछ भी डालोगे, नंबर डाला, सिंबल डाला, वो सब आपका टेक्स्ट स्ट्रिंग में चेंज हो जाएगा अपने आप. तो उसके लिए यू ऑलवेज हैव टू मेंशन इट इन अ कोटेशन मार्क. अगेन आई यूज़ एंड ऑपरेटर. 12 मैंने लिखा यहाँ पे साथ में इसके कंबाइन किया, एज कॉमा 12, देखो अपने आप आउटपुट आ गया. नाउ एक और अगर मुझे इसमें फीचर चेंज करना है, इंस्टेड ऑफ दिस मुझे यहाँ पे एज कॉमा फिर एक ब्लैंक स्पेस चाहिए एंड फिर मुझे 12 चाहिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे एंड के बाद एक और मैंने कोटेशन मार्क दिया, स्पेस दिया, फिर कोटेशन मार्क दिया, तो इससे क्या होगा ना, अब इसमें हम लोग क्या कंबाइन कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक स्पेस को कंबाइन कर रहे हैं. अगेन आई विल गिव एन एंड ऑपरेटर. बेसिकली हो क्या रहा है, एज एंड कॉमा एंड स्पेस एंड 12, तो ये पूरा चीज़ अब यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा. नाउ व्हेन आई चेंज दिस 12 टू 15, तो अपने आप ऑब्वियसली सब जगह ये 15 चेंज हो जाएगा. सो एंड ऑपरेटर एंड कॉन्कैटेनेट फंक्शन इज़ वेरी सिंपल टू यूज़. हमेशा याद रखना व्हेन एवर यू वॉन्ट टू ऐड अ स्पेस और हमेशा व्हेन एवर यू वॉन्ट टू ऐड अ कॉमा और एनीथिंग, हमेशा पुट इट इन अ कोटेशन मार्क. यूजिंग कोटेशन मार्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट यूजिंग इट. एक और चीज़ डायरेक्टली व्हाट यू कैन डू इज डायरेक्टली एंड हमेशा ऑब्वियसली आपको बताना पड़ेगा दैट यू आर राइटिंग अ फंक्शन, तो आपको एक यहाँ पे इक्वल टू साइन देना बहुत ज़रूरी है. तो इक्वल टू साइन, सपोज मुझे एज इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग द सेल मैं ऐसे लिख रही हूँ एंड 12, तो देखो एज 12 ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग द सेल्स. सेल्स सिलेक्ट करोगे तो इट विल बिकम डायनामिक, आप यहाँ पे चेंज करोगे कुछ भी तो अपने आप सब जगह चेंज हो जाएगा. अगर आपको फ्यूचर में चेंज नहीं करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो यूजिंग द एंड ऑपरेटर, नॉट एन इशू. बट जनरली वी डोंट डू दिस, वी डोंट फॉलो दिस, इसका कोई मीनिंग नहीं है. डायरेक्टली आप एज 12 भी लिख सकते थे. वी जनरली यूज़ कॉन्कैटेनेट फंक्शन और एंड ऑपरेटर.